हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बांगा नॉलेज एकेडमी। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे देख रहा है कि आज हम मैटलर्स के बारे में बात करेंगे, तो आइए शुरुआत कर दें बिना किसी देरी के। तो मैटलर्स क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें हम, तो इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं मैटलर्स, इसका फुल फॉर्म क्या है? मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम, याद रखना। विगिन हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 1960s में, लेकिन जो ऑपरेशन में कब आया, 1964 में। मैटलर्स इज़ अ कंप्यूटराइज्ड स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम टू फर्निश बिब्लियोग्राफिक एक्सेस टू NLMS लार्ज बायोमेडिकल कलेक्शन। तो क्या कह रहा है? मैटलर्स एक कंप्यूटराइज्ड स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम है। इसमें क्या होता है, जो NLM है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, इसका जो लार्ज कलेक्शन है किस चीज़ का, बायोमेडिकल का। तो ये जो मेडलर्स है वो इसकी जो बिब्लियोग्राफिक एक्सेस है उसको ये प्रेजेंट करती है, फर्निश करती है, या हम बात करें तो प्रस्तुत करती है। सिंपल वर्ड में बताऊँ कि जो NLM है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, तो वहाँ पर क्या है, बायोमेडिकल का काफ़ी लार्ज कलेक्शन है। तो जो मेडलर्स होता है उसकी बिब्लियोग्राफिक जो डिटेल है उसको रखता है स्टोर करके, ताकि उसको रिट्राइव कर सकें। इसके बाद मेडलाइन, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ये क्या है, जो मेडलर्स है इसके थ्रू क्या, जो ये क्या करता है, इसके थ्रू हम बिब्लियोग्राफिक एक्सेस कर सकते हैं जो NLM का जो बायोमेडिकल कलेक्शन है उसका। सिंपल वर्ड में समझाए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके बाद मेडलाइन क्या है? मेडलाइन मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम ऑनलाइन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये टर्म आता है कि मेडलाइन है ना, ये कब स्टार्ट हुआ, तो ये याद रखना 1971 में। और जो मेडलाइन है ये क्या क्या है, इट इंक्लूड्स मेडिसिन, नर्सिंग, फार्मेसी, डेंटिस्ट्री, वेटनरी मेडिसिन एंड हेल्थ केयर। तो ये फील्ड बताई है इसमें कि कौन कौन से इसमें इंक्लूड है मेडलाइन में। इट कैन बी सर्चेबल बाय पबमेड एंड NLM। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मेडलाइन है, इसे किसके थ्रू हम सर्च कर सकते हैं, पबमेड और NLM के द्वारा। और एक और है इंट्रेज, अगर आपको पता हो तो ये भी, इसके थ्रू भी हम सर्च करते हैं। और ये जो इंट्रेज है, जो पिछला UGC NTA NET एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो इंट्रेज का मैं आपके लिए एक नया वीडियो, अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो UGC NTA NET के हिसाब से, तो उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। यहाँ देखते हैं मेडलाइन यूज्ड मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग। जो मेडलाइन है वो सब्जेक्ट हेडिंग यूज़ करता है मेडिकल फील्ड की, तो उसको क्या बोलते हैं, मैश, याद रखना, फॉर इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। मेड प्लस, मेडलाइन प्लस इज़ आ फ्री वेब सर्विस प्रोड्यूस एंड मेंटेन बाय NLM। याद रखना, जो मेडलाइन प्लस ये क्या है, वेब बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करता है। कौन दे प्रोड्यूस कौन करता है और मेंटेन कौन करता है इसको, NLM करता है। अब NLM के बारे में आइए थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ NLM क्या है। NLM नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन कब स्टार्ट हुई, 1836 में। लोकेटेड कहाँ पर है ये, बेथेस्डा मेरीलैंड USA, याद रखना। NLM का इतना आपको बता दिया। इसके बाद हम पढ़ रहे थे मेडलाइन प्लस। मेडलाइन प्लस इज़ अ फ्री वेब सर्विस प्रोड्यूस एंड मेंटेन बाय NLM। तो मेडलाइन एक फ्री वेब बेस्ड सर्विस है जो कि प्रोड्यूस और मेंटेन होती है NLM के द्वारा। मेडलाइन प्लस इज़ टू प्रेजेंट हाई क्वालिटी रिलेवेंट हेल्थ एंड वेलनेस इंफॉर्मेशन। तो जो मेडलाइन प्लस है ये हाई क्वालिटी की जो हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करती है, जो कि काफ़ी ट्रस्टेड है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, और फ्री ऑफ एडवर्टाइजिंग, और एडवर्टाइजिंग से फ्री है। और ये बोथ लैंग्वेज में, इंग्लिश में और स्पेनिश में, आपको आप कहीं से भी किसी भी टाइम किसी भी डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं और ये फ्री है। NLM के पब्लिकेशन है, तो वो NLM के कौन कौन से पब्लिकेशन है ये भी देखिए, इंडेक्स मेडिकस, सेकंड है मैश, थर्ड है कुमुलेटिव इंडेक्स मेडिकस, फोर्थ है एवरेज इंडेक्स मेडिकस।
काफ़ी टाइम आता है जो इंडेक्स मेडिका से कब से आ रहा है बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये आता है मंथली, याद रखना इंडेक्स मेडिका की फ्रीक्वेंसी मंथली ये पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि जो इंडेक्स मेडिकस है ये किसका पब्लिकेशन है, तो याद रखना। और मैथ्स जो कि सब्जेक्ट हेडिंग है कुमुलेटिव इंडेक्स मेडिकस है और एवरेज इंडेक्स मेडिकस। तो मिलते हैं अब हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में। और रही बात इनके ईयर की, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके ईयर बताऊँगा। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर गलत होगा तो मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बता दूँगा। तो मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ताकि मोर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू।